न्यू व्लॉग और न्यू वीडियो। तो गाइस एक मेरा बहुत ही दिनों से सपना था कि गाइस मैं एक बहुत बड़ा सा ड्रोन लूँ। बहुत बड़ा सा तो नहीं लिया लेकिन छोटा सा लिया है, लेकिन काम चला है, जो कि विदाउट कैमरा है, जो कि फॉलकॉन का आता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बहुत दिनों से मंगाना चाहता था लेकिन रह रहा था, लेकिन आज तो मंगा लिया यार, और उसकी आज डिलीवरी हो चुकी है, देख सकते हो आप। तो गाइस तो आज हम करेंगे इसको अनबॉक्सिंग, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से। तो गाइस यहां से स्टार्ट करते हैं। आज इसकी डिलीवरी हो चुकी है, जो कि विदाउट कैमरा है, जो कि कैमरा इसको अटैच नहीं है। तो इसको भी हम संभाल के रख लेंगे, क्योंकि बहुत ही मेरे जितने भी मंगाया था मैंने फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से, तो ये सब कुछ मेरा वैसे के वैसे ही है, जो कि इसका जो ये कवर है, जो कि मैं इसको संभाल के रख सकता हूँ, आप सबको पता ही होगा। तो इसको भी संभाल के रखेंगे हम। तो ये रहा हमारा फॉलकॉन का बेस्ट ड्रोन, जो कि आज हम इसका अनबॉक्स कर रहे हैं, तो देख सकते हो आप। ये देखो फॉलकॉन सरप्राइज, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ओपी सा है, ओपी गाइस देख सकते हो। तो ये रहा हमारा फॉलकॉन का बेस्ट ड्रोन, जो कि आज इसका हम अनबॉक्स कर रहे हैं। तो भाई साहब मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि ये मैंने लिया है, जो कि अभी तक मेरे इनकम पूरी की पूरी स्टार्ट होगी। यहाँ से अनबॉक्सिंग वीडियो थोड़ी सी कम आएगी, और ये मेरा लास्ट अनबॉक्सिंग वीडियो था। ओ भाई साहब ये देख सकते हो, यहाँ पे रिमोट है, यहाँ पे कुछ केबल्स है, और यहाँ पे हमारा ऊंचा उड़ने वाला ड्रोन है, जो कि फॉलकॉन का है, बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हो आप। फिर आते हैं कुछ जरूरी कागज, जो कि हमारे कुछ काम के नहीं है। जब हमारा ड्रोन कुछ होगा तो इसको देख लेंगे, तो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं देखेंगे हम। तो ये है देख सकते हो गाइस ड्रोन, देख सकते हो बहुत ही ओपी सा है, जो कि बहुत ही क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। और ये है इसके स्टैंड और इसके साइड में लगेंगे ये सब कुछ। तो आज हम इसको असेंबल करेंगे इस वाले व्लॉग में, तो आप देखो। दो पंखे हैं, जो कि हमारे ये पंखे खराब होने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि अभी तो फिलहाल तो अभी हमारी चारे भी सही है। तो गाइज हमने अभी इसके पैर लगा चुके हैं, पूरे के पूरे पैर लग चुके हैं, और फिर जाके कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसे देख सकते हो। तो फिर गाइज मिलते हैं फिर रिमोट के बारे में। तो गाइज ये है इसका ड्रोन का रिमोट, जो कि कुछ ब्लैक ही है और यहाँ पे येलो कलर का है, और ये हमारा ड्रोन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो गाइज ये रहा हमारा ड्रोन, यहाँ पे ऐसे असेंबल हो चुका है, जो कि साइड के जो ये है इसको हम लगाएंगे अभी। थोड़ा असेंबल हो चुका है, और फिर आते हैं हम यहाँ पे ड्रोन के इनर साइड के ऊपर, जो कि इसका पावर सप्लाई, जो कि इसको अटैच करेंगे हम। अटैच करने के बाद हमारा ड्रोन कुछ चालू होगा। अटैच करने के बाद देखो गाइज कैसे दिखेगा, ये चमक रहा है पूरे की पूरी तरह से। पूरा ऐसा असेंबल करने के बाद यहाँ पे फिट करेंगे, ये हो गया फिट, और देख सकते हो। तो गाइज असेंबल करने के बाद कुछ हमारा ड्रोन ऐसे चमक रहा है। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा पावर सप्लाई हम कम कर देते, बंद कर देते हैं।
अब फिर गाइस हमने लाए है बाजार से कुछ यहाँ पे ऐसे सेल्स जो कि हमारे रिमोट को काम आएंगी, जो कि रिमोट पहले से हमें सेल नहीं प्रोवाइड करता, बैटरी नहीं रहती, इसको अलग से परचेस करना पड़ता है। तो गाइस ये मैंने परचेस किया है, आप भी कर सकते हो। और हाँ, इसको हम अभी डालेंगे अंदर, देख सकते हो पूरा खाली है, तो इसको हम फुलफिल करेंगे अभी। चलो तो फाइनली गाइस हमने इसको फुलफिल कर दिया, जो कि अब हम को इसको करेंगे इससे अटैच, और ये हमारा ड्रोन हो गया है चालू। तो गाइस ये वर्क करना चालू किया है, तो फिर हमने इसको अभी ऑन नहीं किया क्योंकि हम अभी घर में है, तो घर में हम ड्रोन उड़ा नहीं सकते। और इसको असेंबल हमने पूरा कर दिया है, तो और अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि गाइस हम इसको ड्रोन को कैसे उड़ाने वाले हैं। तो गाइस जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं मस्त अगले वाले व्लॉग में, जो कि हम ड्रोन को आउटडोर उड़ाएंगे। तो चलो टाटा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। I probably never change for nothing, my dear. All my insecurities holding me near. But I've been working oh so hard to find some meaning in this life. To find some meaning in this life. In a life that got in oh so dark, goes so dark. A life that falls.